आज हम सीखने जा रहे हैं कारक, जो हिंदी में कहते हैं कारक। कारक के आठ प्रकार हैं। तो आप पहले पिछली कक्षा में या आठवीं में आपको नहीं था सर्वनाम या नाउन प्रोनाउन ये सब था, यहाँ पे आपको है कारक जो है सीखने के लिए। जो कारक में आठ प्रकार है वो जो है कर्तृ कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये जो है कारक हो गया, ये है विभक्ति प्रत्यय या चिन्ह, हम कहते हैं चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय, विभक्तियां भी कहते हैं यानी चिन्ह भी कहते हैं। तो ये जो है चिन्ह है को कैसे के साथ और का के लिए से का के की मेल पर है आए, ये जो है कारक है, ये इसके चिन्ह या विभक्तियां हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में भी आपको ये कारक के बारे में दे चुके हैं, वहां पे हम लोग ने आपको असाइनमेंट्स में भी दिया था कारक के बारे में लिखने के लिए। ये कारक जो है, अब जो देखिए कर्म कारक चिन्ह या विभक्ति क्या है, ने कर्म कारक का जो है को, कर्म कारक का से के साथ यानी के द्वारा, और संप्रदान कारक में का को के लिए, अपदान कारक में से अलग होना, इस सेंटेंस बनाने में आपको बता दूं क्या है अलग हो जाना, और संबंध कारक का के की संबंध जुड़ाने के लिए, और अधिकरण कारक में पर, और संबोधन कारक में हे अरे। दो कर्ता कारक में ने आए तो हम सेंटेंस बनाएंगे राम ने खाना खाया। तो और देखेंगे कर्म कारक में राम को रावण ने मारा, को आया। तो आपको एग्जाम में पूछते हैं तो को अंडरलाइन डालते हैं, तो आपको बताना है ये कौन सा कारक, आपको ये आठ कारक भी याद करना है और किस कारक का किस चिन्ह है या विभक्ति या किस चिन्ह का है। आप एक ही लिख सकते हैं कर्म कारक का चिन्ह को या करण कर्म कारक का चिन्ह के द्वारा, ऐसे नहीं लिख सकते। कर्म कारक का चिन्ह सदा रहता है ने, और कर्म कारक का सदा है को, ऐसे चिन्ह उसका जो रहता है उसको आप क्या करना है, आठ कारक को आप यहाँ करना ही है क्योंकि आपको अगली कक्षा रहता ही, तो ये आठ कारक आप बहन करना है और आठ कारक का चिन्ह भी आप बहन करना है। यहाँ पे राम ने रावण को मारा को आता है, तो क्या है ने को अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे तो आप बता रहे कौन सा कारक, यानी को अंडरलाइन करेंगे तो आप बता रहे कर्म कारक। यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं कि ने शब्द कौन सा कारक है, तो आप बताना है था कर्म कर्तृ कारक, और वो जो अंडरलाइन करके रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में तो आपको बताना है कौन सा कारक, तब आप लिखवाए कर्म कारक, और से और के साथ के द्वारा जो भी सेंटेंस में ये तीन रहेगा तो आप बताना है कर्म कारक के अंतर्गत, और संप्रदान कारक में को उसके लिए मैं घर गया था तो ये आएगा, तो आप क्या करना है संप्रदान कारक लिखना है, और अपरान कारक में जो दिया है से और ब्रैकेट में दिया है अलग होना, ये क्या है सेपरेट हो जाना, जैसे कि पेड़ में आम रहता है तो पेड़ से आम गिरा तो पेड़ अलग हो गया, आम अलग हो गया, आम जमीन में पड़ गया है और पेड़ की जगह में ही हो गया, तो से क्यों ऐसे दिया है, यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी से है यहाँ पे, अगर आपको एक सेंटेंस में से आएगा तो आप क्या करना है, पहली बार देखना है सेपरेट हो गया है क्या, देखना है टूट के पड़ा है क्या, उससे अलग हो गया क्या, माँ से बच्चा अलग हो गया तो उससे सेपरेट माँ और बच्चा अलग हो गया, उसी प्रकार आम के पेड़ से आम गिरा तो पेड़ अलग हो गया से आम अलग हो गया, इस सेंटेंस के डिपेंड अपॉन सेंटेंस में डिपेंड होता है कि अगर यहाँ पे से ये से या ये से आपको फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस वाक्य में अलग हो जाना दिखाई देता है तो आप क्या करना है अपादान कारक मेंशन करना है, अगर सेंटेंस में वाक्य में अलग हो जाना दिखाई नहीं देगा तो आपको डालना है करण कारक के अंतर्गत डालना, ये दो ध्यान में याद रखिए, करण कारक और अपादान कारक में याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है संबंध कारक, ये जो है का के की तीन आने ये संबंध
बताने के लिए कि हम रुक वेट करते कावेरी का उसका भाई उसके साथ गया, तो संबंध जुड़ाने के लिए वाक्य को जुड़ाने के लिए दे रहे, तो संबंध कारक में सदा आता है का के की, ये याद रखिए। अधिकरण कारक में मैं और पर या क्या कौवा छत पर है, किताब मेज पर है, ऐसे मैं पर आएगा दोई आएगा, ये जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। और अंतिम में संबोधन कारक, संबोधन कारक में बहुत ही सिंपल है, आप जो इंग्लिश में सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल, आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य सूचक, यानी जो घबराओ में घबराए हुए सेंटेंस होते, अरे अरे वो ही आ गया, वो हो ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, तो आप क्या करना है संबोधन कारक में डाल देना चाहिए, ऐसे सेंटेंस के साथ आराम ऐसे वर्ड आते हैं और एक्सक्लेमेटरी सिंबल देगा, तो आप डालना है यहाँ पे संबोधन कारक में। बच्चों आप इस आठ कारक को भी सीखना है और कारक कौन कौन सा है ये भी आप जान लेना है और विभक्तियां क्या क्या है, चिन्ह कौन क्या क्या है आप बाहर करेंगे तो आपको कारक को फाइंड आउट करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप बराबर से आठ कारकों को लिख के सीखिए और उसके चिन्हों को भी लिख के सीखिए, तो आपको एग्जाम में एक मार्क रहता है, एक मार्क आसानी से मिल जाता है। तो ये हुआ कारक के बारे में, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे और जो है क्रिया विशेषण के बारे में सीखेंगे। देखो बच्चों एक कारक सीखने से आपको बहुत लाभ है, आप सोचेंगे कि एक मार्क के लिए आता है, कभी कभी आपको इसके ऊपर दो प्रश्न भी पूछते हैं तो आपको दो अंक आसानी से मिल जाते, सीखने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है या डिफिकल्टी को आप सामना करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो दो ही वर्ड रहता है सब में तो आप क्या है सीखते जा सकते हैं। और यहाँ पे भी याद रखिए ये जो चैप्टर है ये जो इतना लिखा हुआ है आपके मस्तिष्क के अंदर रहना चाहिए, तब आपको झट से आप बीच में से हम लोग पूछेंगे संप्रदान कारक आपको इमीडिएट आ जाना है, आपने दिमाग में आ जाना है को के लिए ऐसे ऐसे आप कारक कीजिए। ये आज के लिए कारक बनाइए, अगली कक्षा में दूसरा व्याकरण लेके भाग लेके मैं हाजिर हो रही हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों आज हम सीखने जा रहे हैं नवी कक्षा के जो है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, तो क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया क्रिया मतलब क्या है, जो हम लिख रहे हैं दौड़ रहे ये सब क्रिया, क्रिया की विशेषता क्या कर रहे हैं हम वो हमें बता रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ जो एक मेरे चिर क्रिया शब्द है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले, याद रखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण में चार प्रकार है, वो जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पहला जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप समझने में और याद रखने में लिखने में बहुत ही समझदारी साथ देख सकते, क्योंकि ये जो क्रिया की विशेषता विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वालों को यहीं पे है क्या विशेषण की विशेषता करेंगे तो हो गया, क्रिया की विशेषता बताने का शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार चार प्रकार है, उसमें जो है रीतिवाचक रीति बताना, कालवाचक काल को समय को बताना, या स्थानवाचक स्थान मतलब प्लेस प्लेस को बताना, और परिमाणवाचक क्वांटिटी को बताना, ये जो है इसके अंतर्गत आता है। चार जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका जो है आपको डेफिनेशन कुछ भी नहीं पूछते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं, एक सेंटेंस देते हैं, एक वाक्य देते हैं, आप ये कौन सा वाचक क्रिया विशेषण है आप मेंशन करना पड़ता, आपको बताना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा आपको, चार ऑब्जेक्टिव टाइप या देख लेते हैं वहां पे, तो उसमें से ये सही उत्तर रहेगा, तो आप उसको छांट के लिखना पड़ता है। जो रीतिवाचक का जो है आपको एक वाक्य सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ आप सुनते सामान्य रूप से एक सेंटेंस होते, मैं जो बोल रही हूँ आप ध्यान पूर्वक सुनते, किस प्रकार सुनते हैं, ध्यान दे के सुनते हैं,
गमना ध्यान मतलब गमन अगले कॉन्सेंट्रेशन देखिए सुनिए मामूली सुनते हैं मतलब आप सुन रहे हैं शी इज लिसनिंग कॉन्सेंट्रेशन देखिए सीखना वहां पे कॉन्सेंट्रेशन आ गया है ना और गमन विट ध्यान पूर्वक तो क्या है आप मैं जो बोल रहे हैं आप ध्यान पूर्वक सुनते जा रहे हैं तो ये जो ध्यान पूर्वक सिंपली आप चुपचाप सुनते नहीं है ध्यान देके सुन रहे हैं तो ये ध्यान किस प्रकार का रीति है ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो ये रीति वाचक हो गया तो काल वाचक के अंतर्गत आपको देखना है तो मैं तुम्हारे घर कल जाऊंगा या उसने कल गया था या मेरे चाचा ये परसों आएंगे आए थे परसों आए थे कल जाएंगे ऐसे काल बताते हैं कल आज परसों तरसों ऐसे सेंटेंस आ जाता है ये है काल बताना है तो ये है स्थान वाचक तो आप कभी कभी वस्तु रखते हैं कहाँ कहाँ पे तो क्या क्या कहते हैं पेंसिल मैंने टेबल पर रखा था स्थान तो वह बाहर बैठी है तो कहाँ पर बैठी है बाहर बैठी है स्थान बता स्थान स्थान मतलब प्लेस बता रहे हैं कहाँ पे बैठी है मेरा पुस्तक क्या है टेबल के ऊपर है नहीं तो बेंच के ऊपर है नहीं तो क्या कुर्सी के ऊपर है ऐसे हम बताते हैं तो क्या है ये जो है स्थान जो बताने वाली चीज है मेरे नाना क्या है पान खा के वहां उस वहां पर रखेंगे वहां मतलब स्थान तो जहां भी रखते खाते हैं पीते जो स्थान बताते हैं प्लेस बताते हैं उसके लिए कहते हैं स्थान वाचक क्रिया विशेषण और अंत का जो है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण तो क्या है परिमाण ज्यादा कम बहुत ये जो होता है परिमाण के अंतर्गत मैं बहुत खाती हूँ ये क्या है बहुत मैं कम खाई मैं थोड़ा खाई ऐसे बोलते तो ये क्या परिमाण बताता है कि तो क्वांटिटी बताता है इतना खाई मैं इतना खाई मैं दो दो आना खाई मैं दो दिवाला खाई ऐसे बोलते है ना तो क्या है हम परिमाण बताते हैं तो ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत तो ध्यान रखिए बच्चों आप याद करने के लिए वेरी सिंपल सिंपल है बहुत ही आसान है आपको सीखने में और दिमाग में रखने के लिए भी आसान है रीति बताना काल बताना स्थान बताना और अंत में है परिमाण बताना ये क्रिया विशेषण के चार प्रकार है तो आपको सेंटेंस देंगे या वाक्य देंगे एक वाक्य देते हैं आप उसमें से देखकर कौन सा आपका उसमें आ जाता है स्थान को बताते हैं क्या काल को बताते हैं क्या परिमाण को बताते हैं यानी रीति को बताते हैं तो आपको वहां पे झाड़ के ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखना होता है आपके व्याकरण में केवल एक ही वाक्य के लिए एक ही मार्क के लिए आते हैं ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाले एक मार्क के लिए देते हैं तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण के बारे में नेक्स्ट हम सीखेंगे अगली कक्षा में अगले व्याकरण को लेके आ रहे हैं तब तक के लिए धन्यवाद